गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दिवाली की छुट्टियाँ आप सभी की अच्छी हो रही हो, ऐसी शुभकामना के साथ हम सेमेस्टर टू की शुरुआत आज से करते हैं। सेमेस्टर टू की शुरुआत हम पत्र एवं डायरी से करेंगे। पत्र एवं डायरी से, तो पत्र लेखन हमने सेमेस्टर वन में ही देख लिया था कि किस प्रकार के पत्र लेखन होते हैं। तो निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र, तो इसमें हमने जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि औपचारिक और अनौपचारिक लेटर्स होते हैं, तो ये सारे इनमें आ जाते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में आ जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में, तो वो तो हमने सबने देख ही लिया है। तो पत्र के बारे में और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलो कि हमें ज़्यादा हमको रिवाइज करना है पत्र लेखन, तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, तो मैं फिर से आपको वही लिंक भेज देती हूँ। क्योंकि एक का एक दूसरी बार हमें रिपीटेशन करना नहीं चाहिए। तो अगर कोई नया हो जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी देर से आया हो, तो उसने पत्र लेखन के बारे में नहीं पढ़ा हो, वो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको ये लिंक भेज दूंगी। तो ये सारे निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र, इस सबके बारे में हम सेमेस्टर वन में पढ़ चुके हैं। तो आज हमें पढ़ना है पत्र, तो हमने पढ़ लिया था, तो आज हमें पढ़ना है डायरी। डायरी का शब्द सुनते ही आपको पता चल जाता है कि ये किस बारे में बात की गई है। तो प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों का लेखा जोखा डायरी कहलाता है। डायरी में जो लिखा जाए वो संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनदिनी, दैनिकी
आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन के प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक लिखी जा सकती है। तिथि के साथ किया हुआ घटना का विवरण डायरी लेखन को विश्वसनीय बना देता है। डायरी में किसी की निंदा या टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। डायरी लेखन से लेखक के व्यक्तिगत जीवन का ही नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो हमें भी डायरी लिखने, आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरी लिखते हैं अपने जीवन में, जब कभी कोई अच्छा बनाव बना है तो कोई तब लिखता है, कभी कोई अपनी यादें जुड़ने के लिए वो लिखता है। साथ ही कई बच्चे हर रोज़ ही डायरी लिखते हैं, तो डायरी में डेट और डे डालना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि डायरी लिखने के गुण, विशेषता और उनके लाभ हम देखते हैं। एक बात, ये दोनों डायरी आपकी जो चैप्टर्स में दी गई है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटना को आप अपनी डायरी में लिखिए, वो आपको पढ़ना है। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व का अनुभव अपनी डायरी में लिखो, ये आपको रीड करना है। एक बार दिल से, दिमाग से यहाँ पे ध्यान लगाकर आप इसको पढ़िए। पहले डायरी की विशेषता पढ़िए, फिर डायरी लेखन के लाभ पढ़िए और उदाहरण जो दिए गए हैं दो, वो विशेष तौर पर पढ़िए। बाद में हम आगे लिखेंगे, आपको भी लिखना है ताकि आपको पता चले कि डायरी लेखन से हमें क्या लाभ होता है। डायरी लेखन की विशेषताएं, डायरी लेखन की विशेषताएं, उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट, डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब कि आज का हम आज लिख ले, पहले लिख ले, जो बीत गया कल है उसको हम नेक्स्ट डे लिखे तो उसको क्रमबद्ध नहीं कहते।
आज के बाद कल, कल के बाद परसों, इस तरह से हमें क्रमबद्ध लिखना चाहिए। डायरी लेखन में लिखा गया विवरण संक्षिप्त सारगर्भित और वास्तविक होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमें अपने आप से नहीं लिखना है कुछ भी, हमें अपने आप से कुछ नहीं लिखना है, जो हमारे साथ बीत गया है वो लिखना है, और पूरा नहीं लिखना कि पूरे दिन हमने क्या किया, जो पूरे दिन का विवरण लिखना है तो उसको हमें संक्षिप्त में लिखना है। 1 बजे हमने ये किया, 1 बजे हमने पहला निवाला लिया, 1:03 पर हमने दूसरा निवाला लिया, ऐसा नहीं लिखना है। तो 1 बजे हमने भोजन लिया, ऐसे संक्षिप्त में हमें लिखना है। थर्ड, डायरी लेखन में स्थान तिथि स्थान स्थिति घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है, डायरी लेखन करते समय आलोचना टीका टिप्पणी बनावटीपन
काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक, 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 विस्तार से, विस्तार से बचना चाहिए, यदि हम स्थान, तिथि और घटना लिखे तो हमें पता चलेगा कि जब हम कभी डायरी रीड करने बैठे तो हमें याद हो स्थान और तिथि और घटना लिखी होगी तो तब भी याद आएगा, यस इस दिन मेरे साथ ये हुआ था, इस दिन मैं यहाँ पे घूमने गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखना चाहिए जिसकी वजह से हमें याद आ सके। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटी पन, काल्पनिकता, चित्रात्मक, अनावश्यक, विस्तार से बचना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, मैंने 1 बजे एक निवाला लिया, 1:03 पर दूसरा निवाला लिया, इतना विस्तार आवश्यक नहीं है, संक्षिप्त में ही लिखना चाहिए। और किसी के बारे में बुराई नहीं लिखनी है, टीका नहीं करनी है, कॉमेंट नहीं करनी है। और अपनी काल्पनिकता, मतलब कि हमारे सेक चिल्ली के विचार जो है वो हमें डायरी में नहीं लिखने हैं। तो लिख लो पहले यहाँ पे, अब लिखेंगे डायरी लेखन के लाभ। रफ कर दूं, तो अब डायरी लेखन करने से हमें क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होता है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले डायरी लेखन जीवन में घटी घटना घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, हमारे लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमें और शायद किसी और को भी पता चले।
दूसरा, डायरी में तथ्यों का, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, उल्लेख रहता है, इसी कारण, इसी कारण व्यक्ति दिन भर व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे जो अच्छे बुरे काम करते हैं जो अच्छे बुरे काम करते हैं उसका उल्लेख भी रहता है, भी रहता है। इससे सने 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 बुराइयों से बुराइयों से बचा जा सकता है, थर्ड डायरी में हमने जो लिखा है उसी से हमने जो पूरे दिन जो अच्छा बुरा जो भी कार्य किया है उसका लेखा जोखा हमने डायरी में लिखा होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमें हमारी लाइफ में कितनी बुराई की है, तो हम उस बुराई से आगे हम ना करें उसके बारे में हमें इत्तला होती है। डायरी थर्ड डायरी ही ऐसा दस्तावेज है, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के पिछले अन्य व्यक्ति के जीवन के अनुभवों तथा अनुभवों तथा घटनाओं की
घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। तो इसके सही उदाहरण दूं तो अभी आपने थोड़े ही समय पहले डायरी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कहाँ पे सुना? वो बहुत बड़ी हेडलाइन बनी हुई थी। तो वो आपको सोचना है कि कहाँ पे आपने ये सोचना है और मुझे बताना है कि आपने ये डायरी के बारे में कहाँ सुना है। तो फिर आप मुझे किस प्रकार से बताओगे? चलो आप मुझे मैसेज करना कि ये डायरी का उल्लेख आज मैंने किया, वो डायरी का संदर्भ भी किस में से प्राप्त होता है और साथ ही ये किस घटना के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको मुझे मैसेज करना है। तो ये थी डायरी के लाभ। डायरी लिखने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं कि जब कभी हमने कुछ गलतियाँ की हो तो पता चल सके कि हमने ये सारी गलतियाँ की है, तो उस गलतियों का रिपीटेशन ना हो इसके लिए हमें डायरी लिखनी चाहिए और हमें उसमें से सबक लेना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपके अभ्यास का ही जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरी के रूप में लिखिए, उसमें से जो दूसरा है, वार्षिक उत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो वो आपको होमवर्क में लिखकर, अभ्यास और स्वाध्याय दोनों आपको होमवर्क में लिखकर भेजना है, लेकिन ये तो मैं ऑलरेडी आपको लिखा ही रही हूँ। आपको मेरे साथ लिखना है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इतना। तो वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव, तो सबसे पहले मुंबई, फोर्टीन फरवरी 2016। तो ये हमने स्थान और डेट लिख ली। हमारे विद्यालय में हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव एक बात जरूरी है कि हम जो डायरी लिख रहे हैं वो भूतकाल में होनी चाहिए, क्योंकि जो बीत गया है उसे हमें लिखना है।
सो मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान साप या वरदान स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती पानी पर
सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त लिख लो परास्त कर दिया था सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन था तो अभ्यास में निर्देशित विषयों के बारे में पत्र लिखिए। आपने की हुई यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य माने प्रिंसिपल को पत्र लिखिए। अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई भेजना है तो आप क्या लिखोगे किस प्रकार से आप अपने मित्र को बधाई भेजोगे?
Congratulations for you getting a first prize on evaluation, elocution, competition. तो अभिनंदन. वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने के लिए अभिनंदन. तुमने इस बार की छुट्टियों में क्या क्या किया यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? तो जिस प्रकार से आप पत्र लिखते हैं इसी तरह आपको मेल भी लिखना है, ठीक है? तो होमवर्क में आपको लिखना है कि दिए गए प्रशासकीय शब्दों का आधार पर शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए. अधीक्षक शर्मा जी कई वर्षों तक कंपनी में अधीक्षक रहे हैं. प्रभारी उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला. आयकर छिपाना अपराध है. प्रशासन पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई. तो ये सारी चीज़ें आपको होमवर्क में लिखना है. तो होमवर्क लिख लो. एक काम तो मैंने आसान कर दिया, एक डायरी मैंने तो आप भी ही लिखा दी. तुम होमवर्क चैप्टर नंबर 1 का अभ्यास और स्वाध्याय फेयर बुक में लिखे, ठीक है? अभ्यास और स्वाध्याय आपको होमवर्क में लिखना है. तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कच्छ की सैर करते हुए. नेक्स्ट लेक्चर में हमें कच्छ की सैर पर जाना है. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि है कच्छ की सैर. तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.